कक्षा आठ हिंदी। मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को प्रवास अर्थात पॉइंट नौ के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलो देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जानते हैं पाठ में क्या है। जहां कहीं भी पक्षियों के अध्ययन और अवलोकन की बात चले तो डॉक्टर सलीम की चर्चा न हो यह संभव ही नहीं है। डॉक्टर सलीम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक है। सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वे का यानी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की। एक 10 वर्ष के बालक की बड़ा पक्षी के प्रति साधारण सी जिज्ञासा ने ही बालक सलीम को पक्षी शास्त्री बना दिया। पक्षियों के सर्वेक्षण के 65 साल गुजर देने वाले इस शख्सियत को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। इस पाठ में स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों के जीवन, उनके प्रवास की चुनौतियों और रोमांच को सहज रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये प्रवासी पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं जो मौसम बदलने के साथ साथ अपना स्थान बदल लेते हैं और हजारों किलोमीटर की दूर की यात्रा सफर तय कर देते हैं। चलिए थोड़े से शब्द देख लेते हैं। रहस्य राजभेद होता है, कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र भी होता है, सहज गति स्वाभाविक होती है, फासला दूरी को कहते हैं, अंतर को कहते हैं, आवागमन आना जाना, नितांत मीन्स बिल्कुल, अतिशय का मतलब बहुत अधिक, कोपल मतलब कल्ला, तनखा वृक्ष आदि की कोमल मुलायम नई पत्ती, कोहरा कोहरा या कुहासा धुंध, संतोषजनक पर्याप्त तृप्तिदायक, और टीप अक्षांश भूगोल पर उत्तरी या दक्षिण ध्रुव से होती हुई एक रेखा मानकर उसके 360 भाग किए गए हैं। इन 360 अंशों पर होती हुई पूर्व पश्चिम भूमध्य रेखा के समांतर मानी गई है जिसको अक्षांश कहते हैं। अक्षांश की गिनती विषुवत या भूमध्य रेखा से जाती है। नंबर प्रश्न पहला, प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं, वे यात्राएं क्यों करती हैं। चिड़ियों की कुछ प्रजातियां वर्ष में एक या दो बार एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती हैं, इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। वे गर्मी व जाड़े से बचने तथा प्रजनन के लिए यात्राएं करती हैं। चिड़ियों के प्रवास से संबंधित सभी विशिष्ट बात क्या है, सबसे विशिष्ट बात क्या है। तो चिड़ियों के प्रवास की विशिष्ट यह है कि उनका प्रवास बिल्कुल नियमित होता है, उनका रास्ता भी आने जाने में एक ही होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है जिसके समय में बहुत कम अंतर होता है, अर्थात समय भी निश्चित होता है। मुंबई के तिलक और पतरिग्य प्रवास के लिए कब और कहां जाते हैं। ये चिड़िया मई से सितंबर के बीच में शहरी इलाके को छोड़कर दूर दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चली जाती हैं। चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं। चिड़िया प्रवास के लिए पहले अधिक मात्रा में खाना खाती हैं ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जिससे उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत मिले। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना शुरू कर देती है। चिड़ियों को यात्रा के दौरान किन किन बातों का खतरा रहता है। उत्तर है, चिड़िया यात्रा के दौरान बुरे मौसम, आंधी अंधेर आदि में फंस जाती हैं। विशेष रूप से जब वे ऊंचाई में उड़ रही होती हैं, उसमें बहुत सी चिड़िया मर जाती हैं। यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है। प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए किन किन तरीकों को अपनाया जाता है। उत्तर है, प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनकी टांगों में एल्युमिनियम के छल्ले पहनाए जाते हैं, रजिस्टर में लिखा जाता है और छोड़ दिया जाता है। छल्लों पर क्रम संख्या और पहनाने वाले का पता लिखा होता है। प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती है। प्रवासी चिड़िया आक्रमण से बचने के लिए रात में यात्रा करती है, मतलब कोई आक्रमण करके उनको मार न सके, इसलिए वो अपना रात में ही उचित समझती है कि यात्रा करनी चाहिए। आगे है, कुतुब नुमा का अर्थ क्या है, यह पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है। तो कुतुब नुमा का अर्थ होता है सूरज निकलने और डूबने
से चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है। लंबी यात्रा में सूरज ही उन्हें कुतुब नुमा का काम कर देता है। चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारित करती है। पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है, क्यों? पक्षियों की प्रवास योजना हमेशा कठिन और थकाऊ होती है क्योंकि प्रवास के समय चिड़ियों की उड़ान काफी लंबे समय तक बढ़ना पड़ता है एवं दल बुरे मौसम आंधी अंधड़ आदि में फंस जाते हैं। ऐसे में बहुत सी चिड़ियां मर जाती है। मतलब ये है कि यदि प्रवास के दौरान अगर चलती हैं तो बीच में आंधी तूफान कुछ भी आ जाता है, बारिश भी आ जाती है, तो बारिश में भी उन लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है क्योंकि बारिश में उड़ना भी कठिन हो जाता है। आंधी में उनके पंख सही से काम नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी चिड़िया गिर के मर जाती है और बहुत कम चिड़िया ही अपने टारगेट पे पहुंच पाती है, पूरी चिड़ियां नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमेशा प्रवासी पक्षियों को कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है और अपने साथियों से हाथ धोना पड़ता है। जनक शब्द से दो शब्द बनाइए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखते हैं जनक में क्या है। चिंताजनक, यानी डॉक्टर ने कहा मरीज की हालत चिंताजनक है, मतलब मरने वाला है, तो बचने वाला नहीं है। नंबर दो है उत्साहजनक, यह खबर तो उत्साहजनक है, मतलब बहुत उत्साही है, जैसे कि कोई भी खबर एक अजनबी से मिलती है और अपने अंदर उत्साह की भावना उत्पन्न हो जाती है तो उसको कहते हैं हम यह खबर तो उत्साहजनक है। नीचे कुछ शब्द वर्ग के विलोम दिए गए हैं, इनकी जोड़ियां बना करके लिखिए। तो पहले प्रस्थान है, फिर उत्थान है, फिर कनिष्ठ है, फिर अनिवार्य है, ज्येष्ठ है, पतन है, अनर्थ है, आगमन है, कठिन है, सरल है, अर्थ है, सारी है, देहाती है और वैकल्पिक है। तो इसमें इन सभी के जोड़े बनाना है। जोड़े कैसे बनते हैं ये आपको बताना है और दिखाना है। चलिए देखते हैं हम जरा पहले जोड़ों की तरफ। ये है शब्द दिया हुआ और वो उत्तर में जोड़े को लिखना चालू किया गया। तो नंबर एक है ये, नंबर एक तो ये प्रस्थान आ रहा है, प्रस्थान के आगे क्या होगा ये आगमन होगा, यानी कि ये नंबर दो हो गया है। और ये नंबर तीन पे चलते हैं, नंबर तीन लिख लिया हमने पतन, पतन में आगे इसका जो उत्तर में आएगा उत्थान, मतलब इसका विलोम शब्द उत्थान है, ये आपका नंबर चार पे आ गया है। ऐसे ही नंबर पांच पे आपका अर्थ है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो ये नंबर छह पे आ गया है। और ये नंबर सात शुरू हो रहा है, कनिष्ठ है, कनिष्ठ का जो विलोम है वो ज्येष्ठ होता है, ये आपका नंबर आठ पे आ गया है। अब है नवा नंबर यहाँ पे है शहरी, शहरी को लेकर चलते हैं तो ये कहाँ पहुंचता है देहाती, यानी पलटा देहाती होता है, ये नंबर दस हो गया है आपका। इसके बाद ये नंबर आपका ग्यारह है, तो ग्यारह में क्या आता है अनिवार्य, अनिवार्य को क्या विलोम है वैकल्पिक, वैकल्पिक में ये 12 नंबर आ जाता है। और ये कठिन जो है 13वां नंबर है, और 13वें नंबर पे ये कठिन है, कठिन का विलोम क्या होता है सरल, सरल का ये आ गया 14 नंबर। जरा गिन के देखते हैं प्रश्न में कितने थे ये, तो पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर है, ये नौवां नंबर है, ये दसवां है, और ये 11वां हो गया, और ये 12वां हो गया, और ये 13वां हो गया, और ये 14वां हो गया। मतलब 14 थे, 14 की 14 हमने इसमें लिख करके आपको दिखा दिए। इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी प्रश्न उत्तर इसके हो चुके हैं। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। आपको कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा तो भी, नहीं अच्छा लग रहा तो भी कमेंट करेंगे, और मेरे क्या और बना के देना उसका भी आप लोग मैसेज डाल देंगे जिससे मैं उस तरह की तैयारी करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चे को फायदा हो सके। अगर वीडियो शेयर नहीं कर सकते कम से कम कॉपी भी शेयर कर देना जिससे वो अपना काम पूरा कर सके, और बेल आइकन को भी दबा देना जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू। अब इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ।